सो हेलो एवरीवन, आज है 28 जून और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम जीएलएस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में, जो फिलहाल 3.26 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसमें अगर आज के दिन देखा जाए तो करीब 4 से 5% तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक लगातार ही भागते हुए देखने को मिल रहा है और आप 5 दिन के अंदर भी देखिए तो 27 से 28% रिटर्न दे चुका है। वहीं अगर आप 1 महीने के अंदर देखेंगे तो 117% रिटर्न देखने को मिलने वाला है, जो कि कम नहीं होता है। मतलब 1 महीने के अंदर डबल हो चुका है स्टॉक। अगर आप 6 महीने के अंदर भी देखते हैं तो 141% रिटर्न देखने को मिलने वाला है, जो कि कम नहीं होता है। और जो हमारे पुराने वर्षों उनको पता है, स्टॉक को मैं बहुत पहले से रिकमेंड कर रहा हूँ, 0.75 0.80 के आसपास से रिकमेंड कर रहा हूँ। व्यूअर्स, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप हमारे चैनल पे आके देख सकते हैं। ओल्डेस्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे 2023 के अंदर आपको हमारी वीडियो देखने को मिल जाएगी, जब मैंने आपको जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड रिकमेंड करा था। और तभी भी मैंने आपको कहा था कि जैसे कि रियल इस्टेट 2023 में आपको रियल इस्टेट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक हो गए, पावर सेक्टर के स्टॉक हो गए, इन सब में रैली देखने को मिल रही थी, उसी तरह से आपको 2024 और 2025 के अंदर जितने भी टेलीकॉम सेक्टर के स्टॉक है सभी में रैली देखने को मिल सकती है। अगर आप देखेंगे तो इंडस टावर में एक अच्छी खासी रैली आ गई, 150 के आसपास इंडस टावर ट्रेड कर रहा था, अभी देखते हैं ऑलमोस्ट वहां से डबल हो चुका है। वहीं अगर आप VI देखेंगे तो VI उस समय मैं 7 रुपए के आसपास ट्रेड कर, तब मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। अभी फिलहाल देखिए, जब उसका FPU आया था उसके बाद स्टॉक 11 रुपए के आसपास ट्रेड कर, जब आदित्य बिरला ने उसमें एंट्री ली थी, अभी स्टॉक आराम से 17 से 18 रुपए के आसपास ट्रेड करा। उसी तरह से भारत एयरटेल जो 700 रुपए के आसपास ट्रेड करता ऑलमोस्ट, वो भी डबल हो चुका है। उसी तरह से जीटेल इंफ्रा भी एक अच्छा सेटअप बना के दे चुका है। और मैं अभी भी इन स्टॉक को लेकर बहुत ज्यादा बुलिश हूं। अगर आप फिलहाल अभी भी देखते हैं तो जितने भी मतलब कंपनी है, चाहे वो वोडाफोन हो, रिलायंस हो, जियो, सभी ने अपना जो प्राइस था, मतलब चाहे वो पोस्टपेड का हो चाहे वो प्रीपेड का हो, उन सबका प्लान का जो रिचार्ज का प्लान है उसको बढ़ा दिया है। मतलब अच्छा खासा 10 से 15% का टैक्स बढ़ा के एक अच्छी खासी प्राइस कर दी है। जो प्लान पहले करीब 240 के आसपास थे वो फिर अभी 300 के आसपास 320 के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो जिनके पास इन कंपनियों का सिम है उनको एक अच्छा खासा घाटा देखने को मिल रहा है, पर जिनके पास इन कंपनियों के शेयर से उनको एक अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है, क्योंकि प्राइस बढ़ गई तो इसका सीधा सीधा फायदा इन टेलीकॉम कंपनी को होने वाला है और इसका फायदा जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी होने वाला है। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो जीटेल इंफ्राम जो ये रैली आई है, रैली के पीछे की एक वजह है जो बहुत ही ज्यादा बड़ी वजह है, वो है VI। VI का इन पे एक अच्छा खासा डेट था, जो कि VI का FPU आया था, जो FPU में जो उन्होंने फंड रेस किया था उससे उन्होंने इनका जो जीटेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेट था वो इन्होंने पे कर दिया था, जिस वजह से जीटेल इंफ्रा का जो डेट था, जो इनको पैसा था, वो जो उनको मिलना था VI से, वो इनको मिल चुका है। इस वजह से स्टॉक में आपको एक रैली देखने को मिल गई। इनका क्लाइंट बेस देखे तो बहुत ही मजबूत देखने को मिलने वाला है, क्योंकि क्लाइंट बेस के अंदर VI, एयरटेल, उसके बाद आपको जियो, सारी कंपनियां देखने को मिलने वाली है। वही अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 4,174 करोड़ का आसपास का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। और वहीं अगर आप इसका सेल्स देखेंगे तो मार्च 2021 के अंदर 371 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था, जो कि फिलहाल 331 करोड़ के आसपास आ चुका है मार्च 2023 के अंदर। तो यहाँ देखिए तो ओवरऑल सेल्स घटते हुए देखने को मिल रहा है। पर वहीं अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो -32 के आसपास था, जो कि फिलहाल 40 के आसपास आ चुका है, जो कि प्लस में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो -683 करोड़ के आसपास था, जो कि फिलहाल 215 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो ओवरऑल क्वार्टर रिजल्ट देखिए तो ठीक ठाक देखने को मिलने वाला है। वहीं अगर आप इनका कैश फ्लो देखेंगे तो कैश पे पहले प्लस में था 4 करोड़ के आसपास नेट कैश फ्लो मार्च 2013 के अंदर, फिलहाल अगर आप देखते हैं तो मार्च 2024 के अंदर -35 करोड़ के आसपास आ चुका है। और ये डाटा मार्च का है, अप्रैल में ये आपको बढ़ते हुए देखने को मिलने वाला है, अप्रैल मई जून के अंदर। वहीं अगर आप इनका शेयर पैटर्न भी देखते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग मात्र 3.36 थी, जो कि फिलहाल मार्च 2024 के अंदर 3.28 हो चुकी है। और ये डाटा मार्च का है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ। इस 3 महीने में आपको प्रमोटर होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है। FIs की 1.85 थी, जो कि 0.12 होते हुए देखने को मिल रही है, पर पिछले क्वार्टर देखिए तो FIs की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिलने वाली है फॉरेन इन्वेस्टर की। वहीं अगर आप DIs की देखते हैं तो 60.96 थी, जो कि 43.25 हो चुकी थी। यहाँ DIs की होल्डिंग भी थोड़ी सी घटते हुए देखने को मिल रही है। पब्लिक की 33.83 थी, जो कि फिलहाल 53.35 हो चुकी है। तो ओवरऑल शेयर पैटर्न देखिए मार्च के हिसाब से तो उतना अच्छा देखने को नहीं मिलने वाला, फंडामेंटल उतना मजबूत नहीं है, पर हाँ टेलीकॉम सेक्टर का स्टॉक है और मार्च के बाद जो अप्रैल मई जून है इसमें एक अच्छा रिटर्न आगे दे सकता है, जो कि डाटा भी यहाँ क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहता हूँ, आपने स्टॉक में एंट्री लेयर की तो आराम से स्टॉक होल्ड करिए, बाकी फ्रेश एंट्री फिलहाल आपको नहीं लेना है। स्टॉक अगर करेक्ट होता है, स्टॉक अगर 3 रुपए के आसपास आता है तो आपको इसमें एंट्री लेनी है। पूरा पैसा अगर मैं नहीं लगाना है, थोड़ी थोड़े क्वांटिटी बाई करना है, जिससे स्टॉक गिरेगा भी तो आपकी बाइंग प्राइस कम से कम होगी। और मैं हर पेनी स्टॉक में आपको यही कहता हूँ, पूरा पैसा अगर मत लगाइए। सो व्यूअर्स, आज के बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।